आज की वीडियो में आपको आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेडिंग ऑफ द टाउन स्टार्ट हो चुकी है और इस शादी को वेडिंग ऑफ द ईयर भी कहा जा रहा है। रणबीर और आलिया की वेडिंग फेस्टिविटीज कल से स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनमें कल सबसे पहले ऋषि जी के लिए एक पूजा की गई थी और पूजा के बाद दोनों की वेडिंग फेस्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी थी। वेडिंग फेस्टिविटीज में आपने देखा कि बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अटेंड किया और अब आज दोनों की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी इज अबाउट टू स्टार्ट। हल्दी और मेहंदी सेरेमनी के लिए बहुत से गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। नीतू कपूर ने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा है, जबकि रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने बेज कलर का ड्रेस पहन रखा है। बात करें आलिया भट्ट की फैमिली की तो आलिया भट्ट की बहन शाहीन भट्ट ने येलो कलर का ड्रेस पहन रखा है, जबकि आलिया भट्ट की मदर की बात करें तो उन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहन रखा है और सारे वेडिंग वेन्यू पर पहुंचना स्टार्ट हो चुके हैं। ब्राइड और ग्रूम का वेट है और ब्राइड और ग्रूम के आने के बाद मेहंदी की फेस्टिविटी स्टार्ट की जाएंगी। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि मेहंदी के लिए बहुत से डांसेस भी प्रिपेयर की गए हैं और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि मेहंदी के लिए सबसे पहले मेहंदी करण जौहर लगाने वाले हैं, क्योंकि करण जौहर आलिया भट्ट को अपनी बेटी मानते हैं और बेटी होने के नाते वो सबसे पहले आलिया और रणबीर को मेहंदी और हल्दी लगाने वाले हैं और ये उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। कल भी करण जौहर इस वेडिंग फेस्टिविटीज में आए थे और वो कल भी काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे थे। इसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि शादी के बाद आलिया और रणबीर मीडिया अपीयरेंस भी देने वाले हैं, जिसका फैंस को बेसब्री से वेट रहेगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आज अपनी हल्दी और मेहंदी सेरेमनीज के लिए येलो कलर के ड्रेसेस पहनेंगे, जो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किए हैं और मनीष मल्होत्रा के ये डिजाइन कदर ड्रेसेस दोनों के एक तरह से सेम होंगे, ताकि दोनों सेम लगें और दोनों का ये दिन बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। आपको आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मेहंदी और हल्दी सेरेमनी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।